इज ए सॉल्वेंट यूज करते हुए देखा है, यानी वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था। खास तौर पे ग्रिगनार्ड रिएक्शन में भी आपने देखा होगा, आपने वुड्स रिएक्शन में देखा है। तो इससे ये बात तो तय थी कि ईथर जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। लेकिन फिर अब उसमें मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, ईथर बेसिक मीडियम में स्टेबल है, यानी रिएक्टिव नहीं है बेसिक मीडियम में। ठीक है, भले ही आप आर माइनस ही क्यों यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर लिविंग ग्रुप नहीं है और खुद स्ट्रॉन्ग अपने आप में, खुद बेस है, तो बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम है और अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल उस कंटेनर में रखा हुआ है तो काम हो सकता है। समझना मेरी बात, यानी ईथर तभी रिएक्शन करेगा जब मीडियम क्या हो, एसिडिक। तो दिमाग में ये चीज़ तो बैठा के चलो कि एसिडिक मीडियम चाहिए। अब एसिडिक मीडियम चाहिए तो एच प्लस चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो वो भी क्या चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग, जैसे बी आर माइनस, आई माइनस, अच्छे न्यूक्लियोफाइल है। सी एल माइनस मॉडरेट है, लेकिन एफ माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ आपके पास दिमाग में आ गई, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आर ओ आर ले लिया जाए और एच आई ले लिया जाए तो एसिडिक मीडियम है, पहले चेक करो। फिर आई माइनस अपने आप में अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आई माइनस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और एक तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको इस तरह से रिएक्शन देखने को मिलेगी कि एक आर ओ एच हो जाएगा और बाकी का आर आई आपको अलग देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार रीड करते हैं, ईथर आर अनरिएक्टिव टूवर्ड्स मोस्ट बेसिस बट दे कैन रिएक्ट अंडर एसिडिक कंडीशंस। ए प्रोटोनेटेड ईथर कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन विद द एक्सपल्शंस ऑफ एन अल्कोहल ईथर, अल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया कि अल्कोहल के कंपेयर में एलिमिनेशन रिएक्शन भी ये दे सकता है। आगे ईथर रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड एच बी आर, एक अलग पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ईथर रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड एच बी आर और एच आई बिकॉज दिस रिएजेंट आर सफिशेंटली एसिडिक टू प्रोटोनेटेड द ईथर, वाइल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर गुड न्यूक्लियोफाइल फॉर द सब्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, ठीक है आपने ये रिएक्शन कर दिया, आपने आर ओ एच आर आई मिला दिया, सही है। लेकिन बात क्या होगी, अगर ये आर वन है और एक आर टू है तो किसको एच मिलेगा किसको आई मिलेगा, ये हमारे लिए कहानी इंपॉर्टेंट हो गई। अगर दोनों सिमिलर होते, आर आर होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर एक आर वन एक आर टू है, एक आर वन एक आर टू है, तो हमारे पास किसको आर वन मिल रहा है किसको आर टू मिलेगा, इसके लिए आपको किस पे जाना पड़ेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म पे। यानी ईथर कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एस एन वन एस एन टू दोनों शो करेगा। तो अगर एस एन वन शो करता है तो क्या होगा, एस एन टू शो करता है तो क्या होगा। तो मैं आपके साथ हूँ और यहाँ एक बहुत छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ, आप मान के चलिए, ध्यान से सुनना। अगर एक भी आर, आर वन आर टू में एक भी आर 3 डिग्री अल्काइल हो गया तो सिर्फ एस एन वन होगी, सिर्फ क्या होगी, एस एन वन। यानी एस एन वन कब होगा, एस एन वन रिएक्शंस। तो इसके लिए एक ही कंडीशन है, इफ आर वन और आर टू इज 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, देन इट शो एस एन वन मैकेनिज्म। तब आपको दिमाग नहीं लगाना है, एस एन वन ही शो करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ इस पॉइंट को, कि CH3 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 O CH3, एक भी हो गया काम चल गया आपका पक्का। तो इस मैकेनिज्म कैसे होगी, सबसे पहले एच प्लस अटैक करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CCH3 O
CH3। और यहाँ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया है। तो ये प्रोसेस कहलाता है प्रोटोनेशन। ये क्या कहलाएगा? प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप। अब अगली स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन बन जाएगा। और कार्बोकेटायन बनना ही आपके लिए क्या है? SN1 को बता रहा है, CaCOH बिल्कुल अलग हो गया, तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो चुका है और कार्बोकेटायन बन चुका है। अगर एक बार कार्बोकेटायन बन गया तो फिर आप समझते हैं रिटेंशन, इन्वर्जन सब देखने को मिलता है। और यहाँ CH3, CCH3, CH3, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? अब अगला आई माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपके लिए हो जाएगा SN1। क्या हो जाएगा? SN1, लिखें इसको, 3 डिग्री आ गया। तो आपका सिंपल सा है कि कार्बोकेटायन बनेगा। तो आप ये बताएं कि Cl या आयोडीन या ब्रोमीन यानी हेलोजन किससे जुड़ेगा? 3 डिग्री से, और दूसरे वाले से क्या होगा? OH। बोलो क्लियर है? तो ये आपके पास दिमाग में अंदर तक बैठ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर एक भी 3 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री या 1 डिग्री है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको? तो देखिए आप, इस जगह आपके पास इस तरह से होगा, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड केस SN2 मैकेनिज्म, इफ R1 और R2 इज ऑब्लिक R जो भी है, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल अल्काइल ग्रुप, देन इट शो SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म कैसे होगा? तो देखिए मैकेनिज्म, ये आपके पास मान लीजिए CH3, CCH3, यहाँ ऑक्सीजन है और ये CH3। सबसे पहले कौन आएगा? H प्लस, जैसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब H प्लस क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो कोई ज्यादा खास टफ नहीं है। ऑक्सीजन है, CH3 है, H है। बोलो क्लियर है? अब क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? नहीं, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। इस जगह क्या आएगा? अगले स्टेप में आई माइनस अटैक करेगा, ठीक है? आई माइनस अब वहां अटैक करेगा जहां उसे स्टेरिक इंडेंस क्या मिलेगा, कम या ज्यादा? कम। तो आई माइनस कहाँ अटैक करेगा? स्टेरिक इंडेंस उसे कहाँ मिल रहा है? कम, यहां इस कार्बन पे, ना कि इस पे। समझ में आ रहा है? तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन पे यहाँ पर प्लस तो है, जैसे ही इसने अपना लोन पेयर दिया इस पे प्लस आएगा, तो ये प्लस आते ही, अब ध्यान से सुनना, आई यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इसके पास चला जाएगा। तो कुल मिला के CH3CH3OH प्लस CH3I, सो इजी। तो मेजर प्रोडक्ट यही रहेगा, ठीक है? तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि अगर एक भी आपके पास 1 डिग्री 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री होते ही आपके पास आयोडीन 3 डिग्री वाले को मिलेगा। लेकिन अगर एक भी 3 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो आयोडीन 1 डिग्री को मिलेगा। यानी आयोडीन या तो 3 डिग्री को जाता है या फिर 1 डिग्री को जाएगा। 2 डिग्री वाला इससे अलग ही रहेगा, नहीं मिल पाएगा उसको। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो ये यहाँ पर SN1 SN2 का ये बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए इसको लिखें, जगह देखने को मिलता है बेंजीन के साथ अगर ईथर है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बेंजीन है और यहां H है, तो बेंजीन के साथ जब भी रिएक्शन होगी यहां DBC रहेगा। तो ये की पॉइंट रहेगा आपका। तो आप कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, ये वाला बॉन्ड कभी नहीं टूट सकता, तो आपके पास यहां पर हमेशा O क्या बनेगा? यहां पर OH।
अगर यहां पर इस तरह का है, मैं दोनों तरफ बेंजीन ले रहा हूं, तो यहां आपके पास क्या रहेगा? क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो ये रिएक्शन नहीं होगी एच आई के साथ, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर लेकिन अगर क्या, ध्यान से देखिएगा, इन केस अगर हम बात करें ओ सी एस थ्री, क्या बात कर रहे हैं? ओ सी एस थ्री, तो आपके पास रिएक्शन हो जाएगी एच आई की, हाँ, और आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा? ओ एच प्लस सी एस थ्री आई। कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट लॉक कर दें, ये हमारे पास आएगा। तो एक और चीज है जो आपको यहां पर मेरे को बतानी है, पहले ये चीज पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लिया, ये प्रोडक्ट होगा, बतानी है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर यहां पर साइक्लोहेक्सेन है, यहां ओ सी एस थ्री है और यहां ओ सी एस थ्री है, और एच आई एक्सेस में, एच आई एक्सेस में, तो बताइए कितने मोल कंज्यूम होंगे एच आई के? अगर हमसे ऐसा कोई पूछा जाए कि एक्स की वैल्यू क्या है अगर ये एक्सेस में रखा हुआ है, तो आप खुद ही बताइए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये हो जाएगा ओ ओ, अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहां पर? सी एस थ्री सी एस थ्री, यहां एच, यहां एच आ गया, यहां पर एच आने के साथ ही बताओ अगली रिएक्शन क्या होगी, एस एन वन या एस एन टू? जल्दी से बताएं, क्योंकि कोई भी थ्री डिग्री नहीं है, थ्री डिग्री नहीं है तो एस एन वन तो होने से रहा, एस एन टू ही रहेगा, और दो आई माइनस अब अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा? पक्का? तो टू डिग्री को तो मिलने से रहा, तो यहां क्या बन जाएगा? ओ एच ओ एच, और यहां क्या बन जाएगा? टू सी एस थ्री आई। क्या अभी भी रिएक्शन हो सकती है? हाँ, क्योंकि ओ एच एसिडिक मीडियम में फिर दो एच प्लस अटैच करेगा, आएगा, और यहां आपके पास इस तरह से रिएक्शन देखने को मिलेगी, यानी ओ एच एच ओ एच एच, अगर एक्सेस में है तो हमेशा ये आपके पास रिएक्शन होती जाएगी। अब फिर क्या होगा? 2i माइनस वापिस आएंगे, यहां आयोडीन और आयोडीन आएंगे, समझ में आ रही है बात? और विस्नल डाई आयोडाइट अनस्टेबल होते हैं, तो विस्नल डाई आयोडाइट क्या बना लेगा फाइनल प्रोडक्ट? एल्कीन, क्योंकि दोनों आयोडीन अलग हो जाएंगे, माइनस आई टू हो जाएगा, फिर एक बार और एच आई एड होगा एल्कीन में, हाइड्रोहेलोजिनेशन, आपने मेरे से पढ़ा है पहले, हाइड्रोहेलोजिनेशन में एक तरफ एच जुड़ेगा, एक तरफ आयोडीन जुड़ जाएगा, ये आपके पास रिएक्शन होगी। तो कुल मिला के आप बताइए यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, फिर लिखिएगा, पहले समझ लो एक्स की वैल्यू क्या है। तो आप बताइए यहां पर कितने दो एच आई जुड़े हुए हैं, सोच के बताइए, दो यहां जुड़े, दो यहां जुड़े, चार, एक लास्ट में जुड़ा, पांच। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? फाइव। माइनस कहा हुआ है बेटा? आई टू की फॉर्म में माइनस हुआ है, आई माइनस में नहीं हुआ है, तो आप आई माइनस को देखो, तो कोई फायदा नहीं है। आप टोटल एक्स की वैल्यू कितनी हुई? फाइव। तो यहां आपके पास फाइव है, तो आपने क्या की पॉइंट लिखा है यहां पर? फर्स्ट की पॉइंट आपके पास ये रहेगा विस्नल, समझ में आ रहा है, विस्नल डाई आयोडाइट इज अनस्टेबल, इज अनस्टेबल एंड जनरेट
एल्कीन बाय आई टू एलिमिनेशन। एल्कीन एल्कीन बनाए, देखो यहां पर मैंने यहां पर एल्कीन बनाया था, आई टू की वजह से एल्कीन बनाया। एक तरह से देखा जाए तो क्या आप नंबर ऑफ एच आई कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ, अगर यहां विसनल नहीं होता तो आपका आंसर क्या जाता? चार ही जाता। ठीक है, तो आपको मैं फिर बता रहा हूं, कैलकुलेशंस ऑफ कंज्यूम मॉलिक्यूल ऑफ एच आई अगर आपको निकालना है इसी के अंदर, तो आप एक पार्ट और निकालेंगे, लिखेंगे, और वो आपका रहेगा इस तरह से। ठीक है, समझना, मैं आपके पास यहां पर ग्रुप लिख रहा हूं और आपको ये बताना है कि क्या कितने कंज्यूम होंगे। तो अगला हेडिंग रहेगा आपका कंपाउंड, कंज्यूम, मैक्सिमम कंज्यूम मोल ऑफ एच आई। चलिए, मैक्सिमम मोल, कंज्यूम मोल ऑफ एच आई कितना हो सकता है अगर आर ओ आर यूज हो रहा है? तो आप देखिए कितना कंज्यूम होगा, 2 मोल, क्योंकि फाइनली ये भी आर आई में चेंज हो जाएगा और ये भी किस में चेंज हो जाएगा, आर आई में, दोनों एल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाएंगे, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट, अगर ये है तो एक कंज्यूम होगा, सिर्फ एक ही कंज्यूम होगा, और अगर इस तरह का ग्रुप है तो कितने कंज्यूम होंगे, 2, दोनों आर आई अलग हो जाएंगे और ये ओ एच, ओ एच फिनोल की तरह अलग रहेगा। अच्छा, अगर ये है तो 2, पक्का, और अगर ये है तो फिर सीधा 5, चार का काम ही नहीं है। ठीक है, सीधा 5 कंज्यूम होगा। तो ये एक आपके पास टेबल हो गई जो आपको बहुत हेल्प करेगी एच आई के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं ये बताने के लिए। बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो कहां आपके पास 2, 1, 2, 2, और फिर बाद में सीधा कितना आ रहा है, 5, क्योंकि यहां पर आयोडाइड विसनल पोजीशन पे आ गया जो कि अनस्टेबल है, तो एक उम्मीद से एक ज्यादा हो गया कंज्यूम। आ रही है बात समझ में? अच्छा, इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? अब आप समझ गए होंगे, पहले तो एक कंज्यूम होगा, आर ओ एच बनेगा और आर आई बनेगा, लेकिन बाद में दोनों ही क्या बन जाएंगे, आर आई प्लस एच टू अलग हो जाएगा। इसमें फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ओ एच प्लस आर आई। इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ओ एच, ओ एच प्लस 2 आर आई। इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें यहां मुझसे गलत हो रही है, यहां पर आर लिखना है मेरे को, ठीक है ना, 1 आर आई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर नीचे भी गलती हो गया, आर है, देखो 1 आर आई के लिए हो जाएगा और 1 यहां के लिए हो जाएगा, आई यहां आएगा और 1 आर आई हो जाएगा, ईथर की बात कर रहे हैं हम, सही है, और यहां पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, आर और आई। तो हमारे लिए ये वाली टेबल है, लेकिन अगर कोई अल्कोहल होता, सिर्फ अल्कोहल होता तो कितना कंज्यूम होता है, 1, सिर्फ ये होता तो एच एक्स के साथ क्या बनाता, एक्स प्लस एच टू, एक कंज्यूम होता, लेकिन अगर यहां फिनोल होता तो एच एक्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती।
समझ में आ रही है बात? यहां कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। तो यहां हमारे पास आर आई नहीं होगा, एच आई होगा, सही है। प्लस और क्या बन जाएगा? दो आर आई प्लस आई टू, क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आसानी से कि अगर ये कंपाउंड दिए आर ओ आर इस तरह से अलग अलग तरह के इधर दिए हुए, तो मैक्सिमम कंपाउंड देख लीजिए, यहां कितने ची रहेंगे एच आई के? दो मॉलिक्यूल, यहां एक, केवल यही टूटेगा आर आई, और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा फिनॉल और आर आई। यहां दो मॉलिक्यूल चाहिए, ये दोनों टूट जाएंगे, ओ एच ओ एच आ जाएगा और दो आर आई अलग हो जाएंगे। यहां आपके पास दो चाहिए, आर आई और एक ये साइक्लोहेक्साइल के साथ आयोडाइड जुड़ जाएगा। यहां आपके पास पांच चाहिए, दो यहां के लिए, दो इसके लिए, फिर एक बाद में विसनल डाईहैलाइड अनस्टेबल है तो एल्कीन बन के फिर एच आई यूज होगा, तो इसलिए यहां पर कितने जरूरत है? पांच। तो यहां रिएक्शन आई टू टू आर आई और एच आई इस तरह से बनेगी, और बाकी यहां तो आप कर ही सकते हो। फिनोल नॉर्मल अल्कोहल के लिए भी एच एक्स की रिएक्शन होती है, एक कंज्यूम होता है, लेकिन फिनोल रिएक्शन नहीं देता ड्यू टू डीबीसी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां आपको समझ में आ गया।